आज मैं इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन की सॉल्यूशन बताऊंगी, जैसे कि पूरा ब्लाउज कटिंग करते समय आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं जो आपका ब्लाउज खराब हो जाता है, तो मैं सारे सॉल्यूशन इसमें बता दूंगी और कैसे आपको कटिंग करना है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर का है और इसमें मैं 38 इंच का ब्लाउज कटिंग करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कपड़ा 75 का कटिंग करना है जो हमारा 38 इंच का ब्लाउज 80 सेंटीमीटर में हो जाए, ठीक है। उस अनुसार से मैं इसमें हम बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिधर से हमारा कपड़ा लंबा है, जैसे कि हमारा यहाँ से बैक पार्ट निकल जाए और यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाए और बेल्ट भी निकल जाए, तो उसी अनुसार से आपको कटिंग करना है, ठीक है। पहले नाप के देख लेना है, ठीक है। तो इधर से मैं नाप के देख रही हूँ तो इधर से हमारा नहीं हो रहा है, जैसे कि जो कपड़ा होता है वो एक तरफ से थोड़ा लंबा होता है और एक तरफ से छोटा होता है, ठीक है। तो इधर से लंबाई हमारा जो है वो 80 सेंटीमीटर है और इधर से जो हमारा अर्ज जो होता है लंबाई, अर्ज का लंबाई उधर से हमारा थोड़ा लंबाई ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से नहीं कटिंग करेंगे, इधर से कटिंग करना है, तो उसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो इधर से जो कपड़ा का लंबाई होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बैक पार्ट भी निकल जाएगा, जैसे 16 इंच में लंबाई लूंगी तो भी, और यहाँ से भी हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाएगा और यहाँ से बेल्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जा रहा है और इधर से जो है यहाँ जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हमारा आस्तीन भी हो जाएगा। इसी तरह से आपको देख लेना है पहले, ठीक है, तब आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में कपड़े को डबल कर ली, इस टाइप से आपको भी कर लेना है, आप देख सकते हैं। और जितना जब कपड़ा को डबल कीजिएगा जितना आपको जरूरत है, ठीक है। पहले इस तरह से आप नाप के देख लीजिएगा कि हमें कितना चाहिए। जैसे हम 38 इंच का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो 38 का चौथाई भाग होता है जैसे कि 9.5 इंच, तो 9.5 इंच यहाँ से हम यहाँ देख लिए, उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ले लेना है, ज्यादा कपड़ा को डबल नहीं करना है, नहीं तो इधर से कट के आपका कपड़ा वो खराब हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें मैं डिटेल में बता दूंगी, एक एक पार्ट में बता दूंगी कि कैसे आर्महोल लेना है नाप करके, कैसे आपको बैक साइड में इसका गला नाप के लेना है, तो मैं सब डिटेल में इसमें बता दूंगी, ठीक है। तो ब्लाउज का लंबाई है हमारा 15 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तिपाई के लिए, ठीक है। तो हम 16.5 इंच में निशान लगा रहे हैं, 16.5 इंच दे रहे, ठीक है। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेना है, तो आप देख सकते हो इस टाइप से, जैसे कि हम हाफ इंच यहाँ शोल्डर पे ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से हाफ इंच से थोड़ा कम हम यहाँ शोल्डर पे ज्वाइंट करेंगे, वो हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे जो हम तुरपाई के लिए मोड़ेंगे। अब मैं नाप के देख रही थी कि हमारा 15 इंच हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से गला से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं बता चुकी हूँ कि कैसे कितना इंच का कितना गला लेना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां भी आप देख लीजिएगा, सारा साइज का मैं बताई हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे गला का नाप, शोल्डर पूरा नाप नहीं लेंगे, पहले हम गला से नाप लेंगे। तो गला हम लेंगे 2 इंच 2 पॉइंट, मतलब की 2.25 इंच लूंगी मैं, इस टाइप से लेना है 2.25 इंच, और यहाँ से फिर मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। बट एक बार आप और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ से अगर आप डोरी लगाइए तो आप 2.5 इंच भी कटिंग कर सकते हैं, 2.5 इंच कटिंग करें, चाहे कोई भी साइज का ब्लाउज हो 2.5 इंच 2.75 इंच कटिंग हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ डोरी लगा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप डोरी नहीं लगा रहे तो आपको यहाँ से ध्यान से गला कटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैं डोरी नहीं लगा रही, मैं 2.25 इंच पे निशान लगा रही। क्या करना है, यहाँ से आर्महोल का निशान लगाना है, तो आर्महोल का निशान हम इस टाइप से लगाएंगे, 6.5 इंच लेंगे, 6.5 इंच का गुलाई देंगे और इस तरह से मैं बॉक्स बना लूंगी इसे, और यहाँ से 1.5 इंच का कोई भी साइज का ब्लाउज हो यहाँ से 1.5 इंच का राउंड लगाएं, ठीक है। इस तरह से कोने से यहाँ से 1.5 इंच का राउंड लगाना है। अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कितना लेना चाहिए कितना साइज में, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कोई भी साइज का अगर ब्लाउज हो, चाहे जो भी साइज का हो, ये हमारा 38 इंच का है, तो मैं इसी में से नाप के मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपको जो यहाँ शोल्डर का ज्वाइंट है यहाँ से देखना है आपको, तो ऐसे घुमा करके लेना है, ठीक है, कितना इसका गुलाई है। तो आप देखते हैं इसका फिनिश में 9 इंच आ रहा है, ठीक है, फिनिश में 9 इंच है इसका फिनिश में। तो इस तरह से हम देख लेंगे और ऐसे भी देखेंगे, जैसे यहाँ से सीधा रख लेंगे इस टाइप से, यहाँ से शोल्डर से, और यहाँ सीधा लेंगे, ठीक है, ऐसे करके सीधा लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 6.5 इंच पे इसका निशान जा रहा है, ठीक है, सीधा में इस टाइप से, तो ऐसे लेना है, देख लेना है, ठीक है, तो ऐसे देख लेना है, उसके बाद में नाप लगाना है। तो यहाँ से मैं चेस्ट का नाप बता रही हूँ, चेस्ट का निशान लगा देती हूँ, उसके बाद में ये गुलाई मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चेस्ट का मैं लगाऊंगी 9.5 इंच, जैसे चौथाई भाग में, 38 का चौथाई भाग में 9.5 इंच में निशान लगा रही हूँ।
अब मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ से घुमाना है ऐसे करके इस टाइप से, तो आप देख सकते हैं 9 इंच फिनिश में आ गया। ऐसे घुमाना है यहाँ से तो 9 इंच में फिनिश में आ गया। इस तरह से आपको लेना है। अगर आपको कम पड़े, जैसे लग रहा है कि नहीं कम पड़ जाएगा, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे कर सकते हैं। और अगर ज्यादा हो जाएगा ऐसे घुमाने से, जहां से आप फिनिश का निशान लगाएंगे, यहाँ से अगर आपको ज्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ से ऐसे कम कर दें आर्मोल को, इस टाइप से आप कम कर दें, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, तब आपका आर्मोल में झोल कभी नहीं आएगा। और अगर पीछे तरफ जो आर्मोल में झोल आता है, कहते हैं मैम पीछे तरफ आर्मोल में झोल आ जाता है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से झोल आ जाता है किसी किसी का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर झोल आ जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा देना है ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा देना है, तो यहाँ कभी झोल नहीं आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से लेना है, तो इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं पहले। तो उसके बाद में मैं गला का नाप लगाती हूँ। तो गला का नाप कभी भी, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं नाप लेने में, तो मैं वो भी बता दूं, नाप इस तरह से लेना है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं ये शोल्डर का ज्वाइंट है हमारा, यहाँ से, तो यहाँ से हम नाप लेंगे ऐसे करके तिरछा करके इस टाइप से, तो यहाँ से 7 इंच हो रहा है, ठीक है, 7 इंच का हुआ। तो जैसे बहुत लोग नए हैं तो उनको लेना नहीं आता है, थोड़ा सा खींच देंगे तो ये 7.5 हो गया, अगर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये 7 इंच में 2 पॉइंट कम हो गया। तो इस तरह से लेना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिएगा पीछे तरफ से ऐसे करके, कोई भी ब्लाउज का साइज हो, चाहे कोई भी ब्लाउज हो, छोटा बड़ा कोई भी, यहाँ से ऐसे पीछे पकड़ लेना है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ बैक साइड में कोई भी साइज का ब्लाउज हो, इस तरह से पकड़ के पीछे तरफ से यहाँ निशान लगा देना है। अगर आपका यहाँ आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निशान लगा देंगे, यहाँ आ रहा है यहाँ से, तो इस तरह क्या होगा, परफेक्ट निशान आ जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान देना है, बैक साइड का ये वाला जो तुरपाई करेंगे ये जगह छोड़ करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ का भूल जाए और यहाँ से निशान लगा दे, तो फिर आपका गला ज्यादा हो जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो 1/2 इंच छोड़ करके, अगर 1 इंच एक्स्ट्रा लिए 1 इंच छोड़ करके, अगर 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिए, जो भी एक्स्ट्रा लिए यहाँ छोड़ करके आपको यहाँ से नाप लेना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इस टाइप से, ठीक है, तो हल्का तिरछा जा करके, जैसे यहाँ से निशान हमारा सीधा हो रहा था, थोड़ा हल्का तिरछा चल गया इसमें, ठीक है। और यहाँ से हम गुलाई दे देंगे, इस टाइप से हम गुलाई दे देंगे। तो इस तरह से मैं गुलाई दे दी, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा पौन सवा 2 इंच है और यहाँ हम 2.5 इंच ले लिए, ठीक है, 2.5 इंच से भी हम थोड़ा सा ज्यादा ले लिए। उसके बाद हम यहाँ से गुलाई दिए, तो मैं गले का डिटेल बता दी किस तरह से गला लेना है, और आर्मोल का भी मैं बता दी किस तरह से लेना है आपको। और अगर आपको शोल्डर पतला करना है, जैसे आजकल के लेटेस्ट में चल रहा है शोल्डर पतला पहनना, तो यहाँ से आप गले तरफ से पतला ना करें, यहाँ से पतला करें आर्मोल तरफ से, यहाँ से भी आप ऐसे तिरछा इसमें मिला दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का मैं प्लेटे बता रही हूँ। तो प्लेटे जैसे कि गला है, तो गला जैसे कि गला से 2 इंच 2.5 इंच दूरी में आपको देखना है, जैसे यहाँ से है तो यहाँ से 2 से 2.5 इंच दूरी में यहाँ निशान लगा देना है, ठीक है, और 3 से 3.5 इंच दूरी में आपको लगाना है, और ऐसे थोड़ा सा 1/2 इंच करके पकड़ लेना, ठीक है, इस टाइप से। तो अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। मैं इसे कटिंग कर ली, अब देख सकते हैं, अब मैं आगे का पार्ट बताती हूँ। तो आगे का पार्ट भी हम यही कटिंग करेंगे, इसी के बगल में जो हमारा कपड़ा था इसी में, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं कपड़ा को डबल कर दी, और इस तरह से बैक पार्ट को मैं इस पे रख दूंगी स्टेप से। अब देख सकते हैं मैं बैक साइड को इस पे रख दी कपड़े पे, तो ये वाला कपड़ा हमारा डबल है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारा ये आर्मोल है, तो सेम हम आर्मोल का निशान लगाएंगे स्टेप से, और ध्यान रखेंगे जैसे कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं बैक साइड से हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, और वो भी मार्जिन तरफ से लेना है।
भूल से आप गले तरफ से ना रख दे, मार्जिन तरफ से आपको रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा, और इसलिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि जो हमारा जो प्लेटे बनता है उसमें हमारा कपड़ा चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 इंच बैक साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो क्या होगा, आगे का जो पल्ला है वो छोटा हो जाएगा और बैक वाला पल्ला बड़ा हो जाएगा, फिर आपका जो ब्लाउज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, गला का नाप लेना है, आगे का गला, जिधर से हमारा गला है उधर ही से हम आगे का गला नाप लेंगे, और यहाँ से गला का नाप हम लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। और ध्यान रखें कि आप देख सकते हैं यहाँ से जितना दूर में हम आगे का गला, पीछे का गला था हमारा 2 इंच 2 पॉइंट में, तो उसी तरह से हम 2 इंच 2 पॉइंट में यहाँ हम कपड़ा को रखे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी रखना, ज्यादा रखने से क्या होगा फिर गला जो हमारा है वो गिर जाएगा, शोल्डर जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा, परफेक्ट में जितना हमारा बैक साइड में था 2 इंच 2 पॉइंट में उतने जगह पे आपको यहाँ रखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ से जो हमारा बैक साइड है उससे हम 2 इंच यहाँ से हम माइनस करेंगे बेल्ट के लिए, 2 इंच ही माइनस करना, ज्यादा माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका जो आगे का पल्ला है वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच में हम माइनस में निशान लगा देते। इसके बाद मैं बैक साइड को उठा देती हूँ और ये निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ, ठीक है, इस टाइप से तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे राउंड लगाना है, देख सकते हैं यहाँ से तिरछा निशान लगाना है, 1/4 इंच तक यहाँ रखना है, ठीक है, तिरछा ला करके इस तरह से आप कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा आर्महोल है तो जैसे यहाँ से हमारा आर्महोल में झोल नहीं आएगा इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से गुलाई नीचे करके दे रहे हैं, ठीक है, बैक साइड से। और अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ से झोल आने लग जाएगा, आर्महोल से झोल आने लग जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे अंदर तरफ से, ठीक है, इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। और आगे में हम गुलाई दे रहे हैं, आगे गला में इस तरह से आगे गलाओं में गुलाई दे देना है। अब मैं बताती हूँ टक्स लगाना, तो टक्स हम इस टाइप से लगाएंगे, जैसे कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो हमारा मेन टक्स है वो इधर या इधर ना हो जाए, ठीक है, वो हमारा मेन सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ से हम 4.5 इंच के दूरी पे हम लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका जैसे 30 इंच का ब्लाउज है तो आप 4 इंच पे दूर में लगाएं, ठीक है, और अगर आपका जैसे 32, 34, 36 है तो 4.5 इंच में निशान लगाएं, 38 इंच तक भी आप 4.5 इंच में निशान लगाएं, ठीक है। और अगर उससे हेवी ब्लाउज है 40 इंच तक का तो आप 5 इंच तक लगाएं, 5 इंच से ज्यादा आपको नहीं लगाना है दूरी में, ठीक है, नहीं तो आपका जो प्लेटे है वो उधर चल जाएगा। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच में निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे दूरी लगा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से जितना बड़ा पफ बनाना है उस हिसाब से यहाँ आप ज्यादा कपड़ा पकड़े। अगर आपको कम कम पफ बनाना है जैसे छोटा पफ तो आप कम कम ही कपड़ा पकड़े, ठीक है, यहाँ से भी कम और इधर से भी कम कम पकड़े। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे इस टाइप से, ठीक है, इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से फिर हम इस तरह तिरछा इसमें मिला देंगे इस टाइप से, और ये भी हम तिरछा मिला देंगे, और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे और इसे भी हम मिला देंगे इस टाइप से, ठीक। ध्यान दें आप कि ये सर्कल के अंदर तक नहीं आना है, ठीक है, ऐसे सर्कल बनना चाहिए, इसका अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपका पफ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल बना के इसे दूरी दूरी में ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। तो मैं गला में एक चीज आपको और बता देती हूँ, जैसे आप ये मत सोचिएगा कि जितना हेवी ब्लाउज है उतना हम गला ज्यादा लेंगे, ध्यान दें कि जितना हेवी ब्लाउज है उतना ज्यादा गला नहीं लेना है, ठीक है। जैसे हम 38 इंच का ब्लाउज है तो हम 6 इंच ही गला लिए, जैसे ज्यादा गला लेने से क्या होता है यहाँ से आगे तरफ झूल जाता है, ठीक है। जितना साइज बड़ा हो उतना गला यहाँ से कम लेना, मतलब 6-6.5 इंच से ज्यादा गला नहीं लेना है, ठीक है। कि 34 इंच का ब्लाउज है 36 इंच का ब्लाउज है तो भी आप 6-6.5 इंच गला ले सकते हैं, और अगर 38-40-42 या 44 ब्लाउज है तो उससे आप 6.5 इंच से ज्यादा गला आप ना लें, ठीक है। तो इसे भी मैं कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं। अब मैं आस्तीन का कटिंग बता रही हूं, भी इस तरह से लंबा कपड़ा हमारा बचा हुआ है आप देख सकते हैं, तो इसे भी हम इस तरह से डबल कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि फिर से डबल कर देना है इस टाइप से, डबल कर देना है फिर से, ठीक है। तो ये हमारा 4 डबल हो गया आप देख सकते हैं,
तो सबसे पहले हमें देखना है, जैसे हमें आर्महोल में जो हम जोड़ेंगे उसका लंबाई, ठीक है, उसका लंबाई हम नाप के देख लेते हैं। तो हमें चाहिए 10 इंच, तो यहाँ हो रहा है जाकर के 9.25 इंच, आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ कपड़ा ज्वाइंट करेंगे, तो बहुत ब्लाउज में कम पड़ जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, जैसे सोचते कि नहीं हो जाएगा और उसी तरह से आप ज्वाइंट कर देते हैं, उसके बाद में आपका जो आर्मोल के पास है कपड़ा कम पड़ जाता है और वहीं से आपका जो ब्लाउज है वो खींचने लग जाता होगा, छोटा पड़ जाता होगा। तो इस तरह आप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका आस्तीन छोटा पड़ रहा है, जैसे आर्मोल का लंबाई छोटा पड़ रहा है, तो आप यहाँ से कपड़ा ज्वाइंट कर दे, जैसे मैं ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ज्वाइंट करूंगी, 7 इंच का कपड़ा मैं यहाँ से ज्वाइंट करूंगी। और उसके बाद अब यहाँ से ध्यान दीजिए लंबाई का, पहले हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हम तुरपाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर नाप लगाएंगे इस टाइप से। तो हमारा है आस्तीन का लंबाई 7 इंच, तो 7 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे, ठीक है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से निशान लगा दी, इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच का राउंड लगाएंगे, यहाँ से 3.5 इंच का मैं राउंड लगा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से राउंड लगाना है 3.5 इंच का, और 3 इंच का भी लगा सकते हैं, 3.5 इंच का भी लगा सकते हैं, 3.25 इंच का भी लगा सकते हैं, ठीक है। और लंबा बाजू है तो आप 4 इंच का भी यहाँ से आप राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर छोटा बाजू है तो जैसे यहाँ जगह कम होता है तो आप 2 इंच का भी राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 3.5 इंच का राउंड लगा रहे हैं और इसे यहाँ से हम मिला देंगे इस टाइप से। इस टाइप से यहाँ से मैं मिला दी, यहाँ से सीधा थोड़ी दूर आना है 1 से 1.25 इंच, और यहाँ से भी थोड़ा दूर आना है 1 से 1.25 इंच सीधा, उसके बाद में राउंड लगाना है, ठीक है, इस टाइप से जैसे मैं लगाई, ठीक है। इसी तरह से आपको कर लेना है। और मैं हाथ का फिटिंग बता रही हूँ, हाथ का फिटिंग है जैसे हमारा ये हमारा तुपाई का निशान है, तो हाथ का फिटिंग है हमारा जैसे 6 इंच, तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस टाइप से। पहले हम यहाँ से घुमा के देख लेंगे, जैसे 9 इंच हमारा जहाँ हो रहा है, अब जिसे हम आर्मोल में घुमा के आपको दिखाई, 9 इंच यहाँ हो रहा है हमारा, आप देख सकते हैं, ऐसे घुमा के देख लेना है, तो 9 इंच यहाँ हो रहा है इस जगह पे। तो यहाँ मैं ऐसे तिरछा निशान मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइंट करूंगी, वही हमारा कम पड़ रहा है, मार्जिन हमारा कम पड़ रहा है, बाकी का यहाँ तो हो जा रहा है, मार्जिन हमारा कम पड़ रहा है, तो मार्जिन के लिए हम यहाँ कपड़ा 1 इंच ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से तिरछा निशान इस टाइप से यहाँ हम मिला देंगे ज्वाइंट करने के बाद। तो मैं सील के मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं सिलूंगी, जैसे कि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। इसी तरह से आपको कर लेना है, इसी तरह से आप क्या करते हैं, इसी तरह से आप कपड़ा को ज्वाइंट कर देते हैं, इसीलिए आपका कपड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं सारा कटिंग कर चुकी, जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का पल्ला, ये बेल्ट है, और ये बैक साइड है, ये आस्तीन है। तो इसमें मैं डिटेल में आपको बता दी कि किस तरह से आपको कटिंग करना है, चाहे कोई भी साइज का ब्लाउज हो इसी तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जितना मैं चौड़ाई ली यहाँ, जैसे आपका 30 इंच का ब्लाउज है तो उस तरह से आप यहाँ से नाप लगा लें 15 इंच, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लें, ठीक है, चौड़ाई में। और इससे जैसे कि आप बैठा के फिर आगे का पार्ट कटिंग करेंगे, तो इससे जो हमारा आपका बैक पार्ट रहेगा, तो उसी से 1 इंच चौड़ाई यहाँ से आपको मार्जिन तरफ से लेना है। तो इसी तरह से आप हर साइज का कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे 34, 36 जो भी हो साइज, 28, 30 जो भी, आप इसी तरह जितना आपका चेस्ट है उतना से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा या 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सोच सोच के कंफ्यूज जाते हैं कि नहीं इतना साइज का अलग से कटेगा, इतना साइज का अलग से कटेगा, और ये साइज हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो खराब हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूला सब सेम रहता है, और इसी तरह से आपको कटिंग करना है जैसे मैं बताई, और फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको और साइज का जैसे देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं हर साइज का बताई हूँ कटिंग करना, और कटोरी का भी मैं हर साइज का बताई हूँ, तीरा लगाना, तीरा कटिंग करना और कटोरी कटिंग करना, बड़ा से कटोरी को छोटा करना, मैं हर साइज का बताई हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और तो ब्लाउज से रिलेटेड में हर कन्फ्यूजन तो मैं बताती हूँ, मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।